re ga pa da ni da pa ga re ga ma ga re ga ga sa re ga pa ga re sa ni re sa ni pa ni re ma pa dha pa ga re ma ga re sa re ni da re sa re ga pa da ni da sangeet safari with anup jalota. इस सफर में मैं आपको ले चलूंगा भारतीय संगीत के सुहाने सफर पर। हमारे साथ जैसा आप सब जानते हैं पंकज उदास जी हैं। जोरदार तालियां मधुश्री जी की। मधुश्री जी एक ऐसी गायिका हैं जिन्होंने अपनी मधुर आवाज से न जाने कितने लोगों का दिल जीता है और आज आपके सामने हैं। इनसे हम बातें करेंगे, इनके बारे में जानेंगे और इनका संगीत सुनेंगे। मधुश्री जी शुरू हो जाए गाने से। अनुप जी भजन सम्राट जी आपके सामने एक भजन पेश करती हूं। जरूर हो जाए। जो स्वदेश फिल्म में मैंने गाया। स्वदेश में। अच्छा बहुत अच्छा। फूल खिले तो और जो राग सीखता है वो संगीत के क्षेत्र में देर तक टिका रह सकता है। आज जो हमारे मेहमान हैं वो हमारे देश के बड़े बड़े कलाकारों के बीच में गिने जाते हैं। जी हाँ, एक ऐसे गायक जिन्होंने अपने संगीत से, अपनी विद्या से, अपनी शिक्षा से न जाने कितने लोगों को इस क्षेत्र में स्थापित किया है। तो आज आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे हमारे देश की एक बहुत बड़ी संगीत की विभूति। आप हैं पंडित अजय कोहनकर जी। याद पिया के आए मन लागो मेरा यार पति। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे दावत दी आपके बेहतरीन प्रोग्राम में। मुझे बड़ा मजा आ रहा है। बहुत खुशी है आप तशरीफ लाए इसमें। दोस्तों हम और तलत बहुत पुराने दोस्त हैं, साथ में करियर शुरू किया है और जब करियर शुरू किया था तो हमारी हाइट बराबर थी। अब देखिए कितने लंबे। मुझे पता था ये आने वाला है। ये जो है हमारा बहुत पुराना जोक है और मैं एक बात कहूंगा कि ये हाइट इनकी बराबर तो नहीं हुई, कोई बात नहीं, लेकिन इनका जो ये मेयार है ना उसके लिए एक शेर पढ़ देता हूँ। पंडित जी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इनके गायन में दो घराने, किराना घराना और ग्वालियर घराना, इन दो घरानों का गायन आप इनमें वो स्टाइल इनके गायन में सुन सकते हैं जो बहुत कम। क्या बात। क्या बात, ऐसा गाया है आपने कि वातावरण एकदम भक्तिमय, इतना सुंदर हो गया, इतना अच्छा भजन है। घट घट में पंछी बोलता बाबा।